बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अजीजाने मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे अब सच बात हैदर मेहदी के साथ में सर हैदर मेहदी के साथ मैं आपके साथ मौजूद हूं मैं आपको वेलकम करता हूं इस लाइव स्ट्रीम में बैक वक्त टिकटॉक किस वक्त प्रीमियर देख रहा है हमारा और उसके अलावा तमाम जो हमारे चैनल्स हैं फेसबुक ट्विच ट्विटर एक्स लिंक्डइन रंबल और ओडिसी के ऊपर आपको खुश करते हैं और इनत जो मुश्किल सवाल हैं आज हम सर हैदर मेदी से वो पूछने जा रहे हैं जो आप लोग मुसल कुछ आप लोगों के सवाल है और किसी के बाप की तो फौज है नहीं मैंने खुद कमाई है इक्कीस बाईस आठ महीने चौबीस दिन नौकरी की अपना खून दिया है किसी के प्यो के ने मुझे मेजर नहीं बनाया मैंने अपनी अपनी काबिलियत के ऊपर मेजर बनाऊं तो अगर तो मैं लगाता हूं नाम वैसे तो मैं आदिल राजा सिर्फ

आप ने जो है वो लोगों को आरे हाथों लिया हुआ है और आप बिल्कुल रिलेंट नहीं कर रहे उनको सियासत में शेरफल शाहबुद्दीन भी शामिल है, है तो सर स्पेस क्यों नहीं आप इनको दे रहे हैं, सर वाई आर यू नॉट गिविंग आवाम ये जानना चाहती है सर बिल्कुल बिस्मिल <coughs> आदिल हमारे लिए रोल मॉडल कौन है आ, हमारी जिंदगी के मोहम्मद अल्लाह अकबर वो रोल मॉडल मेरे लिए दूसरे रोल मॉडल इमाम अली है मेरे लिए तीसरे रोल मॉडल इमाम हुसैन है उन लोगों ने स्पेस दी उन लोगों ने स्पेस दी रसोल की जो जाए खतीजा भूख से इंतकाल किया इंतकाल हुआ जब उनको दो ढाई तीन साल शेब अभी तालेब में फेंक दिया मक्का के लोगों ने अबू सुफियान के कमांड के अंदर और खाने पीने के लिए नहीं था जड़ी बूटियां खाते थे कीड़े मकौड़े खाते थे कभी कभी लोग ऊंटों पे कुछ खाना रख के उनको भिजवाते थे वो बिचारी भूख से सिसक सिसक के उनका इंतकाल हुआ उन्होंने रसुल्ला ने अपनी जो सबसे मोहब्बत वाली जो खातून थी उनकी जोजा उनके लिए स्पेस दी कि नहीं नहीं प्लीज मुझे खाना दे दो मेरी जोजा की मेरी, मेरी बीवी की जान पर जान। इमाम अली ने कोई स्पेस दी जब कहा गया कि जी ये आप आप, आप भी ठीक हैं हम भी ठीक हैं सब मिल बैठ के खाते हैं जंगे जमल जंगे सिफीन इमाम हुसैन ने स्पेस दी जब उनसे कहा कि आप बस बैठ कर ले बाकी सब ठीक हो जाएगा आदिल किस किस किस्म की स्पेस दे हम हम आले रसूल में से हैं हम उनकी सीरत मानने वालों में से हैं। वो उन्होंने जो किया हम उस पर अमल करने वाले हैं और कम से कम कोशिश करते हैं तो मैं कैसे इन डाकू लुटेर लुटेरे जो चूड़े चमार जिनको गास्िबों ने जिनको यजीदियों ने आसिम मुनीर ने छुपाकर पार्टी के अंदर घुसाया हो कि इस पार्टी को तबाह करो कि गरीब का जिसका नाम लेने वाला कोई ना हो इस पार्टी में जो नाम लेता है उसको तुमने बंद कर दिया उसको तुमने कैद कर दिया उसके खिलाफ तुमने दोस्तों सौ किए उसके खिलाफ तुमने कोई सवा सौ से ज्यादा हरबे इस्तेमाल किए अगर आप गिने पिछले 21, 22, 23 महीने में वो फिर भी टस से मस नहीं हुआ उसने अभी चार दिन पहले इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल लिख दिया और वही बात की जो पहले दिन से कर रहा था और ये घसपेंडवे, ये टट्टू ये अंदर के चूहे ये कहते हैं कि जी ये बात है और वो बात है और इसको नारा लगाओ और ये फलाना जिंदाबाद ये तो पता नहीं उसने आर्टिकल लिखा है कि नहीं है वो तो कोई भी जाके आर्टिकल पुरानी बातें लिख के दे सकते आदिल कैसे हम मैं कोई सियासतदान नहीं हूं मैं किसी का एजेंडा नहीं प्रमोट कर रहा मैं किसी के साथ मुफाहमत नहीं कर रहा मैं जो आप कहते हैं मुफाहमत मुनाफकत मैं मुनाफकत नहीं कर रहा मैं हक सच की बात करता हूं जो मेरा दिल कहता है, मेरे मुझे जो सिखाया है मेरे माँ बाप ने जो मैंने पढ़ा है जो मैंने देखा है जिन इकदार पे मैं पैदा हुआ हूं जिन इकदार पे मुझे सिखाया गया है जिन इकदार पर मुझे पढ़ाया गया जिन इकदार पर मुझे मार पड़ी है कि तुमने ऐसी चीज नहीं करनी यह गलत काम है मैं उन इकदार की अक्सी करने की कोशिश करता हूं शैतान मेरे दिल में भी है मेरी भी रोज जंग होती है शैतान के साथ आदिल मैं किस किस्म की मैं आप कहते हैं मैं शेर अफजल मरवत को स्पेस उसने मुझे फोन किया सुबह मैंने उसको ब्लॉक कर दिया उसकी अगर आप जबान में आपको सुना दू कि उसने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए मैंने तो प्राइवेटली भी ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए उसके लिए पब्लिकली तो छोड़ें एक छछोरा एक शराबी एक जनई एक बद किरदार आदमी झूठ बोलने वाला आईएसआई आई का टाउट उसको पार्टी के अंदर बिल्डअप कर रहे थे कि ये मुराद सईद की जगह ले ले के पी में और ये भी बिल्डअप कर रहे थे कि ये जब नया चेयरमैन की बात हो तो इसको नया चेयरमैन बनाए गौर को ना बनाए

आ, मारिया में मैंने जो भी पता नहीं उसका होता है उसने कहा है ही इज नो लॉन्गर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ही इज नो लॉन्गर इसके पॉलिसी बयान बिल्कुल नहीं दे सकता और बड़ी सख्त रव हसन ने उसको आड़े हाथों लिया है तो आदिल क्यों किया है कुछ कुछ उस बंदे में कोई प्रॉब्लम थी ना मैं तो वो बात करता हूँ आदिल जो अभी साथ जो हैं पार्टी की अपनी हैं वो नहीं खुल के कह सकते वो उनकी अपनी मर्जी है मैं ना पार्टी का हिस्सा हूं ना मेरी कोई मसलहत है मैं एक हकीकी आजादी जमहूरी अदल पे बना हुआ पाकिस्तान की जंग लड़ रहा हूँ जिसकी अक्सी इमरान खान करता है और मैं आपको हलफन कहता हूँ कि मैं अल्लाह को साजर जान की कहता के कहता हूँ कि अगर कल इमरान खान ने भी अपने इस मौकफ से गदारी की जो उसका ये मौक है एक आजाद जमहूरी पाकिस्तान और अगर उसने भी जाके को मुफाहमत कर ली इन लोगों से और कहा आओ जी मिल बैठ के खाते हलफन कहता हूँ जिंदगी उस वक्त में जिंदा रहा और खून है मैं इमरान खान की भी मुखालफत करूंगा हमारी जंग एक पाकिस्तान में जमहूरी पाकिस्तान की जंग है एक अदलो इंसाफ पे मबनी जंग है एक गरीबों के लिए मसावी मौाक़े देने की जंग है एक फौज की जो कब्जा है जो बरबरीत है जो इनका वहशियाना तबाही और बर्बादी है इसके खिलाफ जंग है जो इदारों की तबाही हो चुकी है उसके खिलाफ जंग है जो गरीब पिसा जा रहा है उसके खिलाफ जंग है जो लोग डरे धमकाए हुए बैठे हैं हक सच की बात नहीं कर सकते उसके खिलाफ जंग है ये जंग उसके खिलाफ है ये किसी फर्द के खिलाफ नहीं है ये किसी इदारे के खिलाफ नहीं है ये उनकी हरकतों के खिलाफ है उनके पाकिस्तान के अंदर तबाही और बर्बादी जो उन्होंने फैलाई है ये उसके खिलाफ जाएंगे तो मैं किस तरह इनको स्पेस दू वो कि वो इन इनकवतों को इन हरकतों को ये और आगे तूल चली जी आदित सॉरी थोड़ा इमोशनल हो गया था लेकिन ये बहुत ही सीरियस तो बात तो जब मुझे सच्चा बंदा होता है वो दिल से बात करता है तो इमोशनल भी होता है सख्त जुबान भी इस्तेमाल करता है स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज भी यूज करता है ये सच्चे बंदे की निशान नहीं है हमारे तो कबीले में कहा जाता है कि अगर जिरगा पंचायत बैठी हुई है और पंचायत में कोई बंदा नरम नरम बात कर रहा है तो उसको उसी वक्त पकड़ लो क्योंकि वो दो नंबर बंदा है जो जोर से बात नहीं कर रहा इसका मतलब है कि वो झूठा इसको वहीं पर पकड़ लो तो ये तो हमारे वॉरियर ब्लड के अंदर यह चीज शामिल है इसमें आपको कोई एक्सक्यूज करने की जरूरत नहीं है लेकिन सर यहाँ पे एक वाजे तौर के ऊपर एक पैटर्न नजर आता है कि पीटीआई पीटीआई इज इज जस्ट इमरान खान देन नो अदर लेफ्ट लेकिन चलें उस डिबेट में अंदर हम अभी नहीं पढ़ते हैं आदिल है वो लोग हैं मैं आपको बताता हूँ वो लोग हैं वो कुछ सीनियर लेवल पे हैं लेकिन उनकी आवाजें बिल्कुल दबी हुई हैं आ, मिड लेवल और वर्कर लेवल पे बहुत ज्यादा लोग हैं इस वक्त चूंकि पार्टी में मेरी नजर में तकरीबन कब्जा हो चुका है तो ये लोग जब इनको मौका मिलेगा और मौका मिलेगा ये नहीं हो सकता कि उनको मौका ना मिले जिस तरह पाकिस्तान में हक सच बात करने वालों को मौका इनशाला मिलेगा इसी तरह पीटीआई में जो हकीकी वर्कर है जो नजरियाती वर्कर है जो नजरियाती लीडर है जो बिकावा नहीं है जो कॉम्प्रोमाइज नहीं है जो करप्ट नहीं है जो फसा हुआ नहीं है किसी वजह से उसको मौका मिलेगा लेकिन आपकी बात दुरुस्त है इस वक्त आदिल आ, मैं आ, बड़े अफसोस के साथ कहता कहना चाहता हूँ कि बहुत कम लोग हैं जिस पर कम से कम मैं भरोसा कर सकता हूँ आपका मुझे नहीं पता और मैं तो ये जो इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल था ये जब मैंने पढ़ा तो मेरा दिल इतना खुश हुआ कि चलो हम जो बातें कहते थे कि इमरान खान का बयानिया ये है वो नहीं है जो मरवत कहता है या फलाना कहता है या वो कहता है या ये कहता है तो ये तो क्लियर आ गया बड़ी मुफामत के, नाम पे, मुफामत के नाम पे मुनाफत का सबक पढ़ाने वालों को लानत इकॉनमस के आर्टिकल के बाद खलोगी सबको जो है इमरान खान के अपने अल्फाज के अंदर जो कहते थे इमरान खान ने फिर कहा कि ये जर्नैल बगैरत है अमरीका के कहने के ऊपर के जीम चेंज ऑपरेशन किया है किधर गई मफामत हो यार तुम कौन सी मुफामतों की बातें करते हो मफामत जब तक करते हैं कोर्टे लेते तुम्हारे ऊपर चढ़े रहेंगे और तुम्हारे साथ वही फिर होता है जी सर बिल्कुल आदिर आप सही कह रहे हैं आदिर इमरान को वही चीज़ समझ आ गई है जो मुझे भी आ गई है आपको भी आ गई है सलमान अकरम राजा को आ गई है एतजाज़ अहसन वगैरह वो हालांकि वो भी अभी थोड़ा यू नो अपना पीपल्स पार्टी का रखते हैं जो अस्सी फीसद पाकिस्तान है उसको समझ आ गई है कि पाकिस्तान का मसला क्या है पाकिस्तान का मसला है जो कि मैं बार बार मेरी जबान सूख गई हलत सूख गया कह कह के, के, के पाकिस्तान का मसला है कि इसका जो आर्मी का चीफ है उसकी इतनी बेलगाम बेकाबू ताकत है जिसको वो मिस यूज करता है अब यूज़ करता है बंदूकों को इस्तेमाल करता है मुल्क पर कब्जा करता है कब्जा करने के बाद अपने हुकूमत को तूल देने की कोशिश करता है उसको अदलिया को डराता धमकाता है वो फिर उसको कहते हैं कि भैया आप ठीक हैं आपको वो हरी झंडी कहते हैं कि आ जाए जी फिर वो ये सियासतदानों को इकट्ठा करता है उसके साथ सियासतदान आते हैं सारे जो सब करप्ट होते हैं कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, हैं अच्छा सोरावर्दी क्यों नहीं अयूब खान के साथ इसलिए जबरदस्त आदमी था ख्वाजा नाज़मुद्दीन क्यों नहीं आया इन लोगों के साथ वो कौन आए बिकाऊ माल आया फलाना आया अब ये खान अब्दुल कयूम डबल बैरल खान आया फलाना आया और इसी तरह जिया के साथ भी आप देख रहे हैं मुशर्रफ के साथ भी आप देख रहे हैं कौन कौन लोग आए और कौन नहीं आए फिर ये नवाज शरीफ इनको मिल जाते हैं बेनजीर मिल जाती है जरदारी मिल जाता है फलाने मिल जाते हैं अली बुटो खुद पैदा पैदा हो है हैं युफान की तो आदिल ये ये मसला इमरान को समझ है बड़ी कलेरिटी से और वो जब कहता है ना कि ये फौज भी मेरी है मैं और आप भी कहते हैं कि फौज हमारी है अफवाज पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान पाकिस्तान की फौज है और उसका एक काम है उसका काम है हमारी सरहदों का दिफा करना उसका काम है कि उसकी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं वो बर वक्त अगर कोई दुश्मन है वो अंदरूनी कोई साजिश करके कोई टेररिज्म फैलाता है उसको रोके उसको तोड़े उनके जो प्लान है उनको पाए तकमील पर ना ला सके ये है एक मिलिट्री मशीन मिलिट्री मशीन का कहाँ काम क्या आप हुकूमत करें मिलिट्री मशीन का क्या काम कि आप जरात में आए आप कारोबार में आए आप जी प्राइम मिनिस्टर के साथ स्पेशल इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल वो जो एडवाइजरी काउंसिल है उसके अंदर आप बैठे आदिर ये आ, ये बात इस तरह गौरतलब है चूंकि लोग कहते हैं अब ये बार बार बात हमें समझ आ गई लेकिन ये बात गौरतलब ये है कि ये फंडामेंटल फ्लॉ है पाकिस्तानियों की सोच में कि वो ये नहीं कहते कि अफवाज पाकिस्तान के आर्मी चीफ ग्रेड बाईस का अफसर है वो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में पाकिस्तान में वैसे भी चौदह पंद्रहवें नंबर पर आता है बाय द वे हिंदुस्तान में वो बत्तीसवें नंबर पर आता है उनका आर्मी चीफ बत्तीसवीं नंबर पे आता है हमने अपने आर्मी चीफ के जर्नैलों ने ना उसको खिसका खिसका के खिसका खिसका के ऊपर आ गया आपको पता है ये मैं इंडिया का ये मैंने अभी खोला इंडिया का जो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स होते हैं ना और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो पांचवें नंबर पे होते हैं उनका चेयरमैन प्लानिंग कमीशन भी फौज से ऊपर होता है उनके सारे तमाम वजीर उनका जो भारत रत्ना उनका जो एजाज है जो निशाने पाकिस्तान है वो अगर किसी को मिलता है वो भी फौजी जर्नैल से सीनियर होता है तमाम सफीर हर मुल्क के फौजी जर्नैल से सीनियर होता है तमाम चीफ मिनिस्टर तमाम गवर्नर तमाम सुप्रीम कोर्ट के जज तमाम उनकी फेडरल पब्लिक कमीशन का चेयरपर्सन चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनका ऑडिटर जनरल उनका डेप्टी चीफ मिनिस्टर नायब जो चीफ मिनिस्टर हैं सूबों के उनका मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन उनके जो अटर्नी जनरल कैबिनेट सेक्रेटरी जो कैबिनेट सेक्रेटरी जो है उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर ये सारे सीनियर हैं जनरलों से और हमारे जनरलों ने अपने आप को ऐसे ऊपर जाके फेंका आदिल टिल जब तक और हमने रसूल की सीरत ही से सीखा है जब तक आपके पास ताकत नहीं होगी वसल्लम के पास जब मदीना गए उन्होंने जाके उनके उन्हों पास ताकत आई फौज आई उनके पास हथियार आए उनके पास लोग आए तब जाके उन्होंने मक्का पर फतेह मक्का हुई ऐसी नहीं हुई कि जी उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे फतेह मक्का कर दे ना 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 अल्लाह सुमान ने उनसे वही चीज करवाई जो वो हर इंसान के लिए कहते हैं कि तुमने अपने जोरे बाजू से तुमने ये हासिल करना है तो आदिल हमने तो ये सीखा है मुझे तो मैं तो ये कहता हूं कि ये यजीदी जो है आसिम मुनीर ये अगर पैदा हुआ हुआ होता ना मदीने में तो इसने तो नवजबिल्ला रसुल्ला को हटा के अब्दुल्ला इब्ने उबै को बना देना था सरदार मुसलमानों का ये इतना गलीज़ घटिया कमीने सोच वाला आदमी है और ये फौज की सोच आदिल ये तभी बदलेगी जब इनकी ट्रेनिंग पीएमए से रेजिमेंटल सेंटर में सिपाहियों की हर जो आपका स्कूल ऑफ इंस्ट्रक्शन है चाहे इन्फेंट्री का ट्रेलरी का है, आर्मर का ऑर्डिनेंस का है, सप्लाई का है आपका स्टाफ कॉलेज एनडीओ डी वहां ये नहीं पढ़ाया जाए कि पहले आप इस मुल्क के फर्द हैं इस सिटीजन हैं, बाद में आप फौजी हैं फौज का कोई काम नहीं है अमल दखल करना पाकिस्तान की सियासत में इनको पढ़ाया जाए कि जितने आपके जर्नैलों ने मार्शल लॉ लगाए वो गैर कानूनी थे वो यूसरपर्स थे ये गलत काम किया उनकी तस्वीरें तमाम फौजी मसों से सेंटर से निकाली जाए उनके तमाम रैंक वापस ले लिए जाएं, उनके तमाम मेडल्स वापस ले लिए जाएं और पढ़ाया जाए पीएमए -मे में पढ़ाया जाए कि याया खान जनरल नहीं है याया या खान पर है, खान फील्ड मार्शल नहीं है अयूब खान पर है काबिज है जिया जनरल नहीं है आर्मी चीफ नहीं था ये गसिब है ये जितने उनके आपने आर्मड कोर सेंटर में लगाए हुई है तस्वीरें है। आपने जनाब ये और जितनी यूनिटें पांच पंजाब जो है शेर दिल इन सब यूनिटों को बताया जाए कि तुम्हारी यूनिट का ये जो जनरल है ये ग़सिब था बड़ा पुशबैक होगा लेकिन आदिल आपने सोच वहां से तब्दील करनी है सोलह बलूस को कहना है कि तुम्हारा जो आर्मी चीफ था गद्दार था गसिब था या तुम्हारा असलम बेग भी डाकू था चोर था तो वो तो गासिब तो खैर नहीं कह सकते इसलिए मार्शा नॉन नहीं लगाया बाजवा जो है ये गद्दार था गासिब था ये तुम्हारे हमारी यूनिट पे काली तोमत है इसका रहना सोलह बलूच को भी मैं अपने कोर्स में शकील हुसैन को कहता हूँ कि प्लीज वो अपने कोर्स में कहे कि हम यूनिट हमारी यूनिट को गद्दार बटालियन कहती है पूरी फौज कि हमारी यूनिट ने दो गदार पैदा किए हैं एक या खान दूसरा असलम एक तीन बल्कि और तीसरा ये और ये आसिम ढक्कन की यूनिट जो भी एक एक की है उसको कहना चाहिए कि ये आदमी जो है गासिब है गद्दार आदिल मैं इमोशनल बात नहीं कर रहा मैं एक बड़ी प्रैक्टिकल बात करूं फौज की सोच की तब्दीली शुरू होगी इनकी शुरुआत पीएमए से ट्रेनिंग सेंटर से कि ये जर्नैल जो इस किस्म की हरकत करते हैं ये हैं ये नहीं और दूसरा इनका इंसेंटिव स्ट्रक्चर चेंज करना है आदिल जब तक इनका इंसेंटिव स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा जब तक ये प्रॉपर्टी डीलर बन लेंगे ये अपने आर्मी चीफ को पीछे जाएंगे और मैं तो आखिरी बात इस मौजू पर यह कहना चाहता हूँ के जिस जिस फौजी जनरल ने चाहे वो जिंदा है चाहे वो आ, फौत हो चुका है इन सब का आर्टिकल सिक्स के तहत ट्रायल होना चाहिए जब भी वो दिन आए जिस दिन भी वो दिन आए जब भी वो हालात ऐसे हों लेकिन इन सब का आर्टिकल सिक्स जिस तरह ओलिवर क्रॉमवेल का अंग्रेजों ने उसके ढाई साल मरने के बाद ट्रायल किया था उसको गासिफ यूसर पर डिक्लेयर करके उसकी हड्डियां कुर्सी पे बिठा के फिर उसको ढाई दस या तीन साल लटकाया उसके ढांचे को एक पोल के ऊपर से जब फिर कोई आंधी आई तो वो गिर गया उसका ढांचा हमें इन सब लोगों को कब्रों से तो खैर नहीं निकालना होगा बिकॉज वो हमारे उसके खिलाफ है लेकिन इन सब का ट्रायल करना है, इन सबको पर डिक्लेयर करना है इनके अहदे वापस लेने हैं इनके रैंक वापस लेने है इनके तमाम बेनिफिट्स लेनी है इनकी जितनी जायदाद है जो उन्होंने बनाई है अगर इनके खानदानों के पास है वो इनसे वापस लेनी है कि पूरी दुनिया को फौज को पता चले और जो जिंदा हैं उनको ट्रायल हो के उनको अगर कैपिटल पनिशमेंट मिलती है ओपन ट्रायल करें फेयर एंड फ्री करें अगर पांची की सजा है तो उनको लटकाएं जिसके अंदर आसिम मुनीर और भाजपा शामिल हो आदिल तब ये जाके मुल्क ठीक होगा जी आदिल बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया सर थैंक यू सो वेरी मच आपका जजाक खैर आज हमारे साथ आप बहुत देर सर यहाँ पे मौजूद रहे आपने बहुत से ऐसे जो जलते हुए पॉइंट हैं जो लोगों के जहन में जान बुझ के जो शकुक शबाद जा, डाले जा रहे हैं बहुत से जो लोग हैं वो उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं आपने उनका जवाब दिया बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया आपका सर इनशा जो है वो दोबारा आपसे मुलाकात होगी अजीजा मंद इसके साथ इजाजत दीजिए हक सच बात हैदर मैदी के साथ में मुझे आदिल राजा और सरहदर मेदी को इजाजत दीजिए बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होती है फी अमान अल्लाह